अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब जितने भी मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे भाई मेरी वीडियोस देखते हैं, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुर्गा है या मुर्गी है, ठीक है, पट्ठा है या पट्ठी है, वो टांगे कमज़ोर हो जाती है और बैठ जाते हैं, अपना वज़न नहीं उठा पाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी एक ब्लैक टांग ये मुर्गी थी, 18 दिन लेट ही रही है, 18 दिन इसने लेट के, यानी कि वो दाना पानी सब कुछ ऐसी अपनी, जब इसको खड़ा करते थे तो गिर जाती थी। तो उसके लिए जो है ना, मैंने ये नुस्खा और भी दोस्तों को बताया जिन्होंने मुझे कहा कि वो भी लोग रब्ता करते हैं, बेशक मुझसे बर्ड्स नहीं लिए हैं लेकिन मुझसे रब्ता करते हैं कि ये मसला कर सब, ये मसला, तो मैं उनकी जितना हूँ मैं उनको हेल्प कर देता हूँ, उनको बता देता हूँ। तो अगर इस तरह का मसला आपके किसी परिंदे के साथ आ रहा है तो ये दो सिरप है जनाब, ये देखिए सर्वेक्स, सर्वेक्स सिरप है एक, ठीक है ना, सर्वेक्स, और ये कैल्शियम पी, ये आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी थंबनेल के ऊपर भी पिक्चर लगा दूँगा। ये तो तैयार मुर्गा और मुर्गी है, तो उनको आपने एक एक सीसी सुबह शाम देना है और कुछ दिन देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप बेहतर हो गए हैं, साथ साथ उनको वॉक भी करानी है, ठीक है, चलाएं सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए, और जब आप देखेंगे आप वज़न उठाना थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया, उसके बाद आपने इनको जो है ना कि ताकत वाला कोई भी जो इंजेक्शन लगवाना है उससे पहले नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो और भी इसके अलावा जो है ना चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, नमाज का भी टाइम हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो किसी को चूज़े चाहिए वो शामू के, ब्लैक टंग इंडोनेशियन, ब्लैक टंग याम सिवानी के, या उसके अलावा और कोई फैंसी ब्रीड चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आपने बर्ड्स नहीं भी लेने हैं या आपने किसी और से ले रखे हैं कोई मशवरा लेना है, तो जितनी तौफीक है, जितना मेरे पास नॉलेज है, तो मैं हाजिर हूँ भाइयों के लिए, माओ बहनों के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।